बसपा के प्रदेश महासचिव प्रेम कुमार हवाल ने डग विधानसभा का एक दिवसीय दौरा किया। 1 अक्टूबर 2022 बहुजन समाज पार्टी के प्रोफेसर प्रेम कुमार हवाल प्रदेश महासचिव और प्रभारी मंडी लोकसभा क्षेत्र के डग विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उनके साथ बतौर सहयोगी एडवोकेट नरेश कुमार, प्रदेश सचिव रमेश कुमार अध्यक्ष बसपा जिला मंडल, ज्ञानचंद महासचिव बसपा जिला मंडी और ताराचंद अध्यक्ष द्रग विधानसभा क्षेत्र शामिल रहे हैं। प्रोफेसर प्रेम कुमार हवाल ने द्रग विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से दिन रात मेहनत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी का टिकट तय मापदंडों से ही दिया जाएगा। बसपा के जन चेतना अभियान और भाईचारा बनाओ यात्रा जैसे कार्यक्रमों के दौरान लिए फीडबैक का भी अहम रोल रहेगा। ज्ञानचंद महासचिव बसपा जिला मंडी ने द्रग के कार्यकर्ताओं की मांग को दोहराते हुए कहा कि विधानसभा के कार्यकर्ताओं की मांग है कि बसपा कार्यकर्ता को ही द्रग विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी मंडी लोकसभा की ओर से आज द्रग विधानसभा का दौरा प्रोफेसर प्रेम कुमार हवाल प्रदेश महासचिव और प्रभारी मंडी लोकसभा के द्वारा किया गया और इस दौरा कार्यक्रम में जो द्रग विधानसभा के कार्यकर्ता हैं उनसे हम मिले और मेरे साथ में अभी हैं जिला के महासचिव ज्ञानचंद जी और द्रग विधानसभा के अध्यक्ष ताराचंद जी और अन्य साथी आए हुए थे और यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे हमने जानने की कोशिश की और जो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके संदर्भ में भी हमने बात की। तो इस बात में बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो उनकी मांग है कि जिस जो 2017 में जो हमारे उम्मीदवार थे रमेश कुमार जी पार्टी उनको मौका दे, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो टिकट है वो टिकट आने वाले समय में तय किया जाएगा, उसमें किसको टिकट दिया जाएगा वो आम सहमति से और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को ही दिया जाएगा। तो मेरा जो कार्यकर्ता द्रग विधानसभा के हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो दिन रात एक प्रयास करें और टिकट भी जल्दी अनाउंस होगा उसमें आम सहमति से और जो हमारा बीच में फीडबैक जन चेतना अभियान भाईचारा बनाओ यात्रा और दूसरे जो माध्यम थे उस टाइम पे हमने लिया उन कई मापदंड के ऊपर जो है हम टिकट देंगे और इतनी उम्मीद है कि जो मंडी लोकसभा की 17 विधानसभा हैं उनमें जो है अधिकतर टिकट जो है बसपा के कार्यकर्ताओं को और युवा और महिलाओं को जो 50% टिकट देने की बात है उस पैमाने को भी अच्छे से तय है, उस पैमाने पे भी हम अच्छे से काम करेंगे और जो टिकट है युवाओं को भी मिलेंगे महिलाओं को भी मिलेंगे और बसपा के जो पहले से कार्य कर रहे हैं साथी उनको भी मिलेंगे। तो द्रग विधानसभा में हमारा जो दौरा एक दिवसीय था वो बहुत ही सफल रहा और इस दौरा कार्यक्रम में काफ़ी बातें निकल के आई और ये भी उम्मीद बनती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में द्रग विधानसभा बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत अच्छे से जो है इलेक्शन लड़ेगी। यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अब ज़्यादा देर की बात नहीं है, यहाँ पे जो है टिकट अनाउंस होंगे तो जो भी साथी जिसको भी साथी को टिकट मिलेगा वो जनता के साथ संवाद करेगा और यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए अपनी बात रखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की जनता जिस